वेलकम टू द कोचअप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज नंबर 9.3 एरिया ऑफ पैलोग्राम का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा फिगर हमारी सामने बनी हुई है और उसमें क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। हमने एक ट्रेपेजियम ले लिया ए बी सी डी। ए बी सी डी हमारा एक ट्रेपेजियम है, इस तरह से ए बी पैरेलल टू डी सी, ए लाइन पैरेलल टू ए सी, एक लाइन पैरेलल टू ए सी, ए सी हमारी ये लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन है एक्स एंड वाई, ए बी एट एक्स एंड बी सी एट वाई। तो ए बी पे तो ये एक्स मिल रही है और बी सी पे किस पे, वाई पे। तो हम ये कह सकते हैं एक्स वाई पैरेलल टू ए सी हमें दे रखी है और हमें प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ए डी एक्स, एरिया ऑफ ए डी एक्स इस वाले ट्रायंगल का एरिया हमें प्रूव करना है ए सी वाई, ए सी वाई इस वाले ट्रायंगल से हमें इन दोनों का एरिया प्रूव करना है। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हमें गिवन क्या हो रखा था, गिवन था ए बी सी डी, एक हम ट्रेपेजियम दे रखा था जिसके अंदर ए बी पैरेलल दे रखी थी हमें डी सी के, और दूसरी हमें क्या दे रखा है, ए सी है जो वो पैरेलल दे रखी है किसके, एक्स वाई के पैरेलल में। और हमसे पूछा क्या है, एरिया ऑफ ए डी एक्स, ए डी एक्स का एरिया हमें ए सी वाई के प्रूफ करना है, और इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ा और कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, एक्स को सी से मिला दिया। तो अब देखते हैं हम सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम देखो दो ट्रायंगल लेते हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ले रहा हूं मैं ए डी एक्स, ए डी एक्स ये मेरा हो गया ए डी एक्स, और दूसरा मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए सी एक्स, दूसरा मेरा ट्रायंगल कौन सा है, ए सी एक्स ये वाला, जिसको मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूं, पहले वाला मैंने ब्लू से कर दिया ए सी एक्स। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर आप गौर से देख रहे हो तो गौर से देखना, ए एक्स वाला जो है हमारा क्या है, सेम बेस है किसका, ए डी एक्स का और ए सी एक्स का, ये सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, और ए बी और डी सी दोनों हमारी पैरेलल लाइन से तो उसके बीच में लाई कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल ए डी एक्स एंड ए सी एक्स बोथ लाई ऑन सेम बेस, बोथ लाई ऑन सेम बेस, दोनों का सेम बेस है और वो कौन सा, ए एक्स, और बिटवीन सेम पैरेलल्स, बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो कौन कौन से पैरेलल्स के बीच में है, ये पैरेलल्स है हमारी ए एक्स एंड डी सी, ए एक्स और ए बी का पार्ट है तो ए एक्स भी पैरेलल होगा डी सी के। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम अबव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एक्स। तो ये हमने मान लिया पहला पॉइंट, हमारा एरिया ऑफ ए डी एक्स इक्वल हो गया ए सी एक्स के। दूसरा हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ए सी है ये भी पैरेलल है एक्स वाई के, तो इस वाले बेस पे भी हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो बन रहा है हमारा ए सी एक्स और दूसरा बन रहा है हमारा ए सी वाई। देखो ये वाला दोनों पैरेलल एक्स और एक्स वाई पैरेलल पे और ए सी के बीच में, तो इसको हम ए सी एक्स को तो हमने मार कर रखा है, दूसरे वाले को अब हम ब्लू से मार कर देते हैं, तो ब्लू से मार करने पे हमारा आ जाएगा कौन सा एरिया, ये वाला ट्रायंगल। देखो गौर से ए सी वाई और ए सी एक्स दोनों सेम बेस पर लाई कर रहे हैं, और देखो ये रहा ये एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, ये इन दोनों के बीच में ये लाई कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए सी एक्स एंड ए सी वाई, तो दोनों की दोनों ट्रायंगल बोथ लाई ऑन सेम बेस, सेम बेस, तो बेस कौन सा है ए सी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो सेम पैरेलल्स कौन सी हैं, एक्स वाई एंड ए सी, एक्स वाई एंड ए सी, ये एक्स वाई और ए सी दोनों के सेम पैरेलल्स के बीच में दोनों ट्रायंगल्स लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई, इसको दे दी हमने सेकंड। अब यहाँ से देखो ए डी एक्स का एरिया तो मेरा ई सी एक्स के साथ बराबर है और ए सी एक्स का एरिया हमारा ए सी वाई के साथ है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल,
किसके प्रूव करना था हमको, ए सी बाई। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे प्रूफ, हेंस प्रूफ। थैंक यू। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।